राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के गणपति प्लाजा में 500 करोड़ रुपए के काले धन और 50 किलो सोना होने का दावा किया है। मीणा ने जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में ईडी की कार्रवाई के बाद जयपुर में काले धन को लेकर यह बड़ा आरोप लगाया। पेपर लीक समेत अन्य मामलों को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मोर्चा खोल रखा है। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच आज डॉक्टर किरोड़ी ने जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में पेपर लीक मामले में प्रेस वार्ता बुलाई। इस मौके पर उन्होंने बाबूलाल कटारा, दिनेश खोडनिया और स्पर्धा चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। इसी दौरान मीणा ने जयपुर में बड़े पैमाने पर लॉकर्स में काला धन और सोना होने का दावा भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे MI रोड स्थित गणपति प्लाजा कॉम्प्लेक्स पहुंचे। मीणा ने यहां कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के 100 लॉकर्स में 500 करोड़ से ज्यादा का काला धन और 50 किलो सोना होने का दावा किया है। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं करीब 3 घंटे बाद पुलिस की ओर से लॉकर्स को सील करने के बाद किरोड़ीलाल ने धरना समाप्त किया। किरोड़ीलाल ने बताया कि जालूपुरा थानाधिकारी की ओर से लॉकर सर्विसेज के मैनेजर को नोटिस दिया गया है। वहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यहां DOID राजकॉम इन्फो सर्विसेज के GM छत्रपाल सिंह के लॉकर्स होने का दावा भी किया है। शनिवार को किरोड़ीलाल मीणा ईडी में भी इसकी शिकायत करेंगे। इसमें मेरे पत्रकार वार्ता में एक बार आपको कहा था कि सुरेश ढाका को सरकार किसी भी स्थिति में पकड़ के नहीं लाएगी। सुरेश ढाका को अगर पकड़ के लाती है तो दर्जनों एमएलए, दर्जनों मंत्री सेंट्रल एजेंसी के घेरे में आएंगे। इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी इसलिए तकलीफ दी कि मैं ईडी को कहूंगा कि RPC के चेयरमैन को बुलाएं, पूरे पेपर का घोटाला उनको पता है लीक होने का, खोडनिया को भी बुलाएं। सांसद किरोड़ी का दावा है कि गणपति प्लाजा के लॉकर्स में सोना भी है और करोड़ों रुपए भी। राजस्थान में बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले सांसद किरोड़ी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के करीबियों का करोड़ों रुपए का काला धन इन्हीं लॉकर्स में रखा गया है। इनकम टैक्स के अंदर आना है, मेरे को ऐसा लगता है कि करोड़ों रुपया काला धन प्लस कई किलो सोना निकलेगा। प्रदेश में एक और चुनावी माहौल है और दूसरी ओर अपने चिरपरिचित अंदाज में डॉक्टर किरोड़ी सूबे की सत्ताधारी गहलोत सरकार को घेरने में जुटे हैं। भाजपा की पहली ही सूची में सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बन चुके डॉक्टर किरोड़ी कहीं ना कहीं अपने इसी अंदाज से भाजपा आला कमान के चहेते बनते जा रहे हैं। जनता दरबार न्यूज के लिए विजय वर्मा की रिपोर्ट।